हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स वाईटी लर्निंग। और आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि हमें कौन से मिस्टेक्स हमारे एग्जाम्स में नहीं करनी है। मैं कुछ ये 6 मिस्टेक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो यूजुअली लोग करते हैं, और वन बाय वन आपको समझाने वाला हूँ कि वो चीज़ों को हमें कैसे निग्लेक्ट करना है और कैसे इग्नोर करना है ताकि हमें फुल मार्क्स अच्छे से आराम से मिल जाए। तो मैं एक पहली चीज़ से स्टार्ट करूँगा कि सबसे पहली चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली पढ़ने हैं। रीज़न इसका ये है कि आपका जो पेपर है इस साल का वो एक न्यू पैटर्न में आने वाला है। न्यू पैटर्न में कुछ नई चीज़ अगर इंक्लूड हो रही है तो वो चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन में दी गई होगी। तो जितने भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है वो प्रॉपरली पढ़ो। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये सारी इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखे होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें रीड कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 16 प्रिंटेड पेजेस। तो सबसे पहले वो जो आपको 15 मिनट दिए गए हैं ना एक्स्ट्रा, आपको पता है कि आपको पेपर 3 घंटे 15 मिनट के लिए मिलता है, तो आप इस 15 मिनट में से 5 मिनट आप इंस्ट्रक्शन को दो। बाकी की चीज़ें जो ये बाकी 5 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उसमें आप अपने बचे हुए 10 मिनट देंगे हम लोग। जो सबसे पहला उन्होंने बोला कि चेक कीजिए कि 16 पेजेस है या नहीं, तो हम देख सकते हैं कि 16 पेजेस है इसमें बराबर, और कोई भी पेज में कोई चीज़ मिस प्रिंटिंग नहीं है। हम लोग पूरा पेपर अच्छे से धीरे धीरे चेक कर लेंगे, नहीं हमें कहीं पर भी डायग्राम में और कहीं पर भी मिस प्रिंटिंग नहीं दिखी। दूसरा है कोड नंबर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक बाय द कैंडिडेट। तो यहाँ पर जो आपको कोड नंबर दिया गया है ये कोड नंबर आपके आंसर शीट में होना चाहिए ताकि आपके एग्जामिनर जो आपका चेक करने वाला है पेपर उसे पता चले कि आपका आंसर शीट कौन से कोड का आंसर शीट है। तीसरा चीज, प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंस 27 क्वेश्चन। तो हम देख लेते हैं, यहां पे है 5, 6, यहां पे हो गए 11, यहां पे 16, यहां पे आ गए 19 और यहां पे आ गए 22 और ये 24 और 27। ओके, 27 क्वेश्चन है। तो फिर से चले जाएंगे नेक्स्ट पे। प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर बिफोर अटेम्प्टिंग इट। सीरियल नंबर जो हमारा क्वेश्चन पेपर का है वो हमें लिख देना है हमारे आंसर शीट में लिखने से पहले, कोई भी आंसर लिखने से पहले। फिर उन्होंने बोला 15 मिनट हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10:15 AM फ्रॉम 10:15 AM टू 10:30 AM, यानी 15 मिनट द स्टूडेंट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन्होंने बोला कि आंसर बुक में आपको कोई भी आंसर नहीं लिखने हैं। मतलब कि हम चीज़ क्या करेंगे कि ये 10 मिनट में हम क्या करने वाले, देख लो, सिलेक्ट ऑप्शंस पुट डॉट। इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है वो ये है कि हमें और वाले क्वेश्चंस अभी से सिलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे है स्टेट टू लॉज ऑफ द बेसिस ऑफ विच द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स, और दूसरा हाउ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में से ऑब्वियसली आप एक कर सकते हो, तो अभी सिलेक्ट कर लो कि ये करना है या ये। तो फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट वाला अटैम्प्ट करने वाले हो तो उसके पास एक छोटा सा डॉट बना लो ताकि आपका फिर से टाइम वेस्ट ना हो सिलेक्ट करने के लिए। मतलब ये 10 मिनट में मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें सॉल्व करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से एक और वाला क्वेश्चन आया, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड नेम द लेबलिंग पार्ट। यहाँ पे ये चीज़ें लेबल करनी पड़ेगी और उनका नाम बताना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ अक्वायर होती है, थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और दूसरा है स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स इन प्लांट हार्मोन्स, जिबलिन्स, ऑक्सिन्स और एब्सिसिक एसिड। क्या आपको फंक्शन लिखने हैं या डायग्राम बनाना है, इन दोनों में से एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वेश्चन अटैम्प्ट लायक लगता है और फुल मार्क्स वाला लगता है, मैंने बना लिया एक डॉट, मतलब मैं ये चीज़ अटैम्प्ट करने वाला हूँ। मतलब जब मैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आऊँगा तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे क्या करना है, तो सीधा मैंने यहीं पे पहले 10 मिनट में सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे कौन सी चीज़ करनी है। तो इसी तरीके से हम लोग ये चीज़ भी सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली रीड क्वेश्चंस। मतलब कि अगर आप लोगों को लगता है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन, जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, नेम एनी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ जो है ये हमारा टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, एक भी चीज़ उसमें से मिस मत करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ तक पढ़ लेते हैं और फिर उनको लगता है अरे हाँ ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा था, बट ऐसा नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, नेम एनी टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो पहले तो आपको वो दो नाम लिखने हैं जो इन्फेक्शंस, टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लिखने हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, और हाँ बाद में उनके प्रिवेंशन लिखने हैं। मतलब पहले आपको दो पॉइंट लिखने हैं अबाउट द टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बाद में टू पॉइंट्स लिखने हैं हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन नंबर परफेक्ट डालिए। अगर ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो कि 17 था, तो आपको प्रॉपरली लिखना है कि आंसर शीट में मैं प्रॉपरली कैसे लिखूंगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का ये ए का आंसर ये था, बी का आंसर ये था और सी का आंसर ये था। मतलब
ए बी और सी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. 17 का ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, मतलब आपको प्रॉपरली आंसर्स लिखना है. फिर हम देख सकते हैं कि दूसरी मिस्टेक क्या हो सकती है. तो जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हो तो ओवरराइटिंग और मिस्टेक स्टार्टिंग में कभी मत करो गाइस. मतलब कि ओवरराइटिंग अगर आप स्टार्टिंग में ही कर रहे हो तो उसको पता चल जाएगा कि आपने गलती की है. मतलब कि देखो, अगर हम स्टार्टिंग में अच्छी चीज़ें लिखेंगे, प्रॉपरली सब कुछ अच्छे से स्टार्टिंग में लिखेंगे ना, तो तकलीफ नहीं होगी. मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन गाइस, तो आप फर्स्ट इंप्रेशन मत बिगाड़ो, ठीक है. फिर है नेक्स्ट अटेम्प्टफुल. अब अटेम्प्टफुल क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बोर्ड्स जो है वो गिव फुल मार्क्स इफ क्वेश्चन वॉज प्रिंटेड रॉन्ग. अगर क्वेश्चन कभी रॉन्ग आ जाता है तो अगर आपको हिंट मिल रही है कि नहीं ये क्वेश्चन रॉन्ग है, तो अगर रॉन्ग क्वेश्चन पे बोर्ड्स फुल मार्क्स देता है तो क्यों ना हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि क्वेश्चन रॉन्ग आया है. बट ये चीज़ें आप लोग थोड़ा अपने इन्विजिलेटर से भी पहले कन्फर्म कर सकते हो कि क्या ये क्वेश्चन सच में रॉन्ग है या आपको रॉन्ग लग रहा है. तो ये सी सारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. रीड इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली क्योंकि ये न्यू सीरीज है. सिलेक्ट ऑप्शंस, मैंने आपको जैसे सिखाया कि पुट डॉट, प्रॉपरली रीड क्वेश्चंस, क्वेश्चन को पूरा रीड करो फिर आंसर लिखो. आधा अधूरा आंसर मत लिखना क्योंकि मार्क्स कट जाएंगे. क्वेश्चन नंबर परफेक्ट डालो, क्वेश्चन नंबर परफेक्ट डाल के आप लास्ट में भी लास्ट 5 मिनट में चेक करो कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर सभी में डाले हैं. और क्वेश्चन नंबर में कभी भी ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए. ओवरराइटिंग और मिस्टेक स्टार्टिंग में कभी मत करो. मतलब क्वेश्चन पेपर अभी तो शुरुआत हुई है और आपने काटा पीटी शुरू कर दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है. तो स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है. और नेक्स्ट है अटेम्प्ट फुल, क्योंकि फुल अटेम्प्ट करने पर आपके वो क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं जो शायद से कभी रॉन्ग आ जाते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि हर साल कुछ ना कुछ रॉन्ग आ जाता है, बट शायद कुछ मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कुछ चीज़ें रॉन्ग आ जाती हैं बोर्ड्स पे. तो अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट कीजिए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिए. थैंक यू गाइज़.